हेलो ऑल मेंबर्स, ओरिजिन की तरफ से सबका वेलकम। और आज हमारे साथ महाराष्ट्र से डॉक्टर अनुराग सर हैं, का एक ग्रुप में, बहुत हमारे चंद्रा सर के ग्रुप में हम लोग साथ पढ़ते हैं जी और वहां से ही उनको मैं जानता हूँ। और आज और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा उनके केस के बाद। उनकी तारीफ बहुत सुनी है और पढ़ा भी है मैंने, 5 6 महीने 8 महीने उनके साथ पढ़ रहा हूँ। तो आज उनके नॉलेज का प्रैक्टिकल आप लोग भी करिए। बहुत अच्छा केस है और बहुत अच्छे से सर ने सॉल्व किया है। लेट्स एंजॉय। वेलकम सर। नमस्कार, हेलो। मैं डॉक्टर अनुराग देशमुख। थैंक यू अशोक सर, HSH फैमिली फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय केस। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू महेश चंद्रा सर। मैं जितना भी सीखा हूँ मैक्सिमम सर से ही सीखा हूँ। इवन ये जो रेमेडी है ये भी सर ने हमारे ग्रुप में एक बार शेयर की थी, तो उस पर से ही मैं ये केस क्रैक कर पाया हूँ। तो लेट्स मूव अहेड। मैं पहले केस साइट करूंगा। मेल अराउंड 38 इयर्स, केम फॉर द कंप्लेंट ऑफ घबराहट, एसिडिटी, ETC। रात में स्पेशली लगता है हार्ट अटैक। हॉस्पिटल में 4 5 बार एडमिट किया गया है। पैर रखते ही रिलैक्स हो जाता हूँ। ब्लड होते रहती है, मैक्सिमम 200 तक जाती है। चॉकलेट हमेशा साथ में रखता हूँ। एसिडिटी बहुत है, सुस्ता नहीं, डर जाता है, स्पेशली जब रात में 2:30 से 3 बजे तकलीफ होती है उसको। मैंने पूछा, यार अगर 2:30 से 3 बजे तुझे रात में तकलीफ होती है, अकेला रहता है पुणे में फ्लैट में, तो मैंने पूछा कि ऐसा नहीं लगता कि कोई साथ में होना चाहिए? तो पेशेंट बोलता है, लगता है हर बार, ECG निकाला है, टेंशन के कारण हो सकता है ये सब। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कॉज कि ये कोई भी डिसीज क्यों होती है, वी यूजली डू दैट। तो देन केस वॉज कैरिड ऑन। बिफोर 8 ईयर्स केम टू पुणे, डिड क्वाइट अ फ्यू जॉब्स। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑफिस ड्यू टू कॉस्ट कटिंग। देन ही गॉट इन टू अपॉर्चुनिटी विद अ स्पॉन्सर। दे वर्क एज अ टीम इन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बट स्लोली दैट टू डिडंट वर्क आउट। देन एंटर अगेन इन न्यू कमोडिटी बिजनेस ऑफ ऑनियन, नाउ इट्स ग्रोइंग। ठीक है, तो मैंने पूछा, यार अगर इसने 3 4 बिजनेसेस किए ना, तो जनरली पर्सन ट्राई टू ग्रो इन अ सिंगल वर्क और बिजनेस, वाई डू यू चूज डिफरेंट बिजनेसेस? तो पेशेंट बोलता है, इट स्टार्ट्स ऑफ वेल बट आफ्टर रनिंग फॉर अ फ्यू पीरियड इट डजेंट डू वेल। तो उसको एसिडिटी है, एसिडिटी भी बहुत सताती है। तो मैंने पूछा, क्या चल रहा है ऐसा जो मन में पच नहीं रहा? उसने एसिडिटी बोला ना, तो उसने बोला, जो लड़की है 1.5 2 साल से अच्छा चल रहा था, उसके तरफ से होना नहीं है ये पता है, कोई चांस ही नहीं है। उसका हाँ भी है और ना भी, यही चीज इसके मन को पच नहीं रही है, ये उसके मन से जा नहीं रही है। तो यार मैंने बोला, आर यू अटैच्ड? तो पेशेंट बोलता है, हाँ, इसलिए तो निकलना मुश्किल हो रहा है, फंसा हूं इसमें। मैं मेन इश्यू कास्ट को लेकर है। शी हैज PCOD, सो शी ऑलवेज हैड मेंसेस। उसको मेट्रोरेजिया का प्रॉब्लम था, सो जिन चीजों का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो नहीं है। सेक्सुअल लाइफ तो है ही नहीं, मेरी इच्छा भी नहीं रही अब वो सब चीजों की। एक्चुअली ये पेशेंट को मेरे फ्रेंड ने लाया था, मेरे फ्रेंड का ये दोस्त था, माय फ्रेंड वाज होमपैथ। तो उसने बताने के लिए बोला, तो माय फ्रेंड वाज होमपैथ, ही वांट्स टू गेट मैरिड बट शी ऑलवेज गिव्स एक्सक्यूजेस फॉर मैरिजेस, कुछ भी करके टाल देगी वो। तो मैंने बोला, ऐसा नहीं लगता कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए? तो पेशेंट बोलता है, 4 साल इन्वेस्ट करने के बाद इच्छा नहीं रही, बीच में वन नाइट स्टैंड चलते रहा, लेकिन अभी अटक गए हैं, मैं भी और वो भी, लड़की भी। नई लड़की अनजानी ढूंढने से अच्छा है अकेले रहे। शी इज डोमिनेटिंग एट एवरी एवरीथिंग, मोस्टली मुझे ही सुनना पड़ता है। तो मैंने पूछा, यू पुट योर सेल्फ इन सो मेनी बिजनेसेस एंड हाउ अबाउट इट? तो पेशेंट बोलता है, इनिशियली अच्छा रहता है बट मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आता है। रिलेशनशिप में पहले अच्छा था पर कुछ चीजें मेरे पीठ पीछे होने लगी, तो ऐसा काफी चला, तो अब उसको हेल्प करने की भी इच्छा नहीं हो पा रही। अपन कितना करने का ना, उसको सेटल करके दिया। आज ऐसी कंडीशन है उसकी कि अगर मैं उसके लाइफ से निकल भी गया तो वो खुद ब खुद अपने पैर पे खड़ी रहेगी, वो अच्छा करेगी।
तो मैंने बोला यार तोड़ने की इच्छा नहीं, इच्छा है क्या? तो पेशेंट बोलता नहीं, क्योंकि अटैचमेंट है। तो मेरा जो दोस्त था उसने प्रॉम्प्ट किया कि स्पीक अबाउट दैट इंसिडेंट। तो फिर पेशेंट ने बताया कि शी वेंट विथ हर सीनियर फॉर अ मूवी विच शी लाइड मी बिफोर एंड हर फोन वॉज अनरीचेबल होल नाइट, है ना। पिक्चर देखने चली गई सीनियर के साथ और फोन भी नहीं उठाया रात भर, तो तब से इसका तकलीफ बढ़ गया है। तो मैंने पूछा व्हेन यू वेर इन रिलेशनशिप इवन यू हैड दैट टाइम वन नाइट स्टैंड। तो पेशेंट थोड़ा हंसता है और बोलता है प्रोबेबली शी टू न्यू दिस, उसको भी पता है। इन इंजीनियरिंग ही वॉज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम गिविंग एग्जाम्स ड्यू टू अब्सेंटी। क्यों अब्सेंटी? तो जब कॉलेज के लड़के रहते हैं तो अय्याशी करना, घूमना फिरना, इसमें रहा वो। ही वॉज मोस्ट ब्रिलियंट ऑफ ऑल ब्रदर्स, ऑलवेज इन अ टिप टॉप क्लॉथ्स, बेस्ट अटायर। ही हैड आईब्रो पियर्सिंग दोज डेज। एटलीस्ट 8 to 10 years बैक ही वॉज बिहाइंड अ गर्ल हु वॉज वेरी यंग और शी वॉज फ्रॉम फैमिली ऑफ अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ही वॉज अलीग्ड इन टीजिंग केस। ही वॉज केप्ट इन पुणे एज ही कुड बी बिटन इन बाय पब्लिक इन। केस कंटिन्यूड फॉर 6 to 7 years और उस समय में वो बहुत डरा हुआ रहता था। स्टेशन से आएगा सीधा कोर्ट जाएगा, कोर्ट से निकलेगा सीधा स्टेशन जाएगा, कोई आएगा और उसको मार देगा, ऐसा उसको डर बना रहता था। डेज ही कुडंट कंटिन्यू हिज इंजीनियरिंग एज ही यूज्ड टू अर्न बाय इलीगल फेक आईडी सर्टिफिकेट ETC। तो इस पर से मैंने सिग्नस लुम्बियानस बीवी की दिया था। अब एन इवोल्यूशन ऑफ द केस, अभी क्या हुआ ना, जब से वो सीनियर के साथ चली गई तब प्रॉब्लम चालू हुआ। सो अपना केस का बेस यही से होना चाहिए। द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट ही वॉज गोइंग थ्रू वॉज हिज गर्लफ्रेंड वॉज विथ समवन, शी वॉज हैविंग PCOS एंड मेट्रोरेजिया, शी वॉज विथ हिम बट नो फिजिकल सेटिस्फेक्शन फॉर हिम, शी वॉज अफर्मेटिव फॉर मैरिज बट इन वेव्स। कैसा, कभी हाँ कहेगी कभी ना कहेगी, और ना कहने के लिए उसके पास ढेरों रीजन रहते थे। इनफ टाइम ऑफ लाइफ विथ हर बट इट वॉज ऑल इन वेन। तो ये सब ना लड़की ने उसको, तो काफी मेंबर आए भी थे डिलीजेंट ट्रैप पे, तो इट वॉज अ डिलीजेंट ट्रैप। ही डिड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर हर, सेटल्ड हर, ही यूज वर्ड्स, 4 years इन्वेस्ट किए, सो हिज इन्वॉल्वमेंट वॉज टू मच, बट इन रिटर्न उसको कुछ भी नहीं मिला ना, एंड रॉन्ग सफर्ड, सिंपल रूब्रिक है। बट इवन आफ्टर दैट एपिसोड ऑफ मूवी ही विश टू बी विथ हर, मैरी हर, एंड ऑल्सो इन वन नाइट स्टैंड ही वॉज एंगेज्ड। तो ये सब क्या चक्कर चल रहा था ना, उसका एक ही मोट होता, बहुत सारे मेंबर फ्लोरिक एसिड पे आए, शायद मेडो नहीं बोला किसी ने। तो ये इंटमसी डिजायर था, इंटमसी डिजायर मतलब करीब रहना, हैविंग सेक्सुअल रिलेशन, ऐसा। नाउ आई विल शेयर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑफ अ केस। हियर पेशेंट वॉज प्ले बॉय, है ना, मजनू था वो, साक्षात मजनू जैसा, बट हिज गर्लफ्रेंड वॉज 2 steps अहेड ऑफ हिम। प्रोबेबली ही सेड प्रोबेबली शी टू न्यू ही इज इन वन नाइट स्टैंड गाय, डिस्पाइट दैट शी वॉज इन रिलेशनशिप विथ हिम, कॉज शी वॉज गेटिंग लग्जरी ऑफ लाइफ। वॉट शी डिड, शी लेट द मूवी टिकट सीन बाय हिम, स्टिल ही कुडंट डू मच अबाउट इट, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उसने मूवी के टिकट दिखने दिए कि ये कुछ काम का नहीं। सो शी इज लाइक अ स्पाइडर हु टेक्स अ फुल कंट्रोल ओवर अ प्रे। तो ये रूब्रिक बनता है डिलुजन ट्रैप ही इज इन स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब में क्या होता है ना कि जो प्रे होता है हिलने की कितनी भी कोशिश करे, जितना कोशिश करेगा और उस वेब में फंसते जाएगा। नो ऑल अबाउट हर, स्टिल ही वॉन्ट्स हर कॉज, ही हैज एक्सेप्टेड हर अफेयर विथ सो हर होल हार्टेडली, दिल से अपनाया है उसने इसको। वो कितनी बुरी हो, वो कैसी भी हो, लेकिन उसे अपना लिया है उसने, उसे उसको उसने समर्पित समर्पित कर दिया है खुद को। तो यहाँ पे रूब्रिक बनता है मर्जिंग ऑफ सेल्फ विथ वंस एनवायरमेंट। वो जैसी है उसके हिसाब से उसने खुद को मर्ज हम जनरली कहा देखते हैं कि जैसा कॉन्फ्रेंस कॉल है, 4 5 लोग है ना,
पर व्हेन इट इज अ कॉल, व्हेन इट इज अ कॉन्फ्रेंस कॉल, वो मर्ज हो गए तो एक हो गए वो, है ना। उसके लिए उसने खुद को उसके हिसाब से ढाल लिया। नेक्स्ट रूब्रिक इज डिल्यूजन वर्ल्ड वॉल इज अ ब्रिक वॉल ऑन विच शी इज हैंगिंग बाय हर फिंगर नेल। मतलब क्या कि उसके लिए ये एक ऐसी दुनिया है, ऐसी वॉल है, वो ब्रिक वॉल है, ब्रिक वॉल जनरली कमजोर होती है ना, और उस पे वो हैंग कर रहा है। काय पे? ये नेल्स पे। तो कितना पेनफुल होगा ना वो, और पेनफुल भी है और उसकी ग्रिप भी उतनी नहीं है उस चीज पे, तो कभी भी गिर सकता है। और उसने कहा भी कि ये लड़की का हाँ भी है ना भी है और पता नहीं क्या होगा। तो एक रूब्रिक में एक ये भी वर्ड है, शी इज हैंगिंग बाय हर फिंगर नेल। शी मतलब क्या? एक फीमेलाइन क्वालिटी, तो जनरली टेक इट एज अ सबमिसिव। वैसे लेडीज आर मोर पावरफुल देन मेन, पर फिर भी मेटाफोरिकल वे से अपन इसको ऐसे समझेंगे, शी इज अ सबमिसिव वन, ही इज हैंगिंग बाय फिंगर नेल्स, बस इतना सा टिका हुआ है, कभी भी गिर सकता है, ये ब्रिक वॉल गिर सकती है। ऑल द लाइफ वॉट ही डिड, ही वॉज एंगेज इन गर्ल्स एंड अफेयर्स, वन नाइट स्टैंड, इट्स लाइक अ रोड रोमियो। ये क्या था? लव एग्जाल्टेड फॉर, ये रूब्रिक है। हेलो, इफ़ यू आर न्यू टू माइंड मेथड, इफ़ यू हैव ट्रबल चूजिंग रूब्रिक्स, इफ़ यू हैव ट्रबल टू डिफरेंशिएट विद सिमिलर रेमेडीज, इफ़ यू हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग रूब्रिक्स और मेंटालिटी ऑफ द पेशेंट, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर होम्योपैथी प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ एलोपैथी प्रैक्टिस, वी हैव द सोल्यूशन। Join HSS Basic course. Register HSH Basic Advanced course. For this, you have to contact Dr. Ashok Awadhia. Phone number is 9893805528. Thank you. दूसरा रूब्रिक है डिल्यूजन हार्ट, जायंट बीटिंग हार्ट शी इज। उसके पास इतना बड़ा दिल है, जो लड़की मिली उसको दिल फेंक दिया उसने, है ना। ये दिल हर किसी लैला के लिए धड़कता है। एक और एस्पेक्ट इसका कि उसको ये प्लेस छोड़ना पड़ा क्योंकि वो एक कोर्ट केस में एंगेज था और वो लड़की के घर वाले पॉलिटिकल फैमिली थे, तो उनका तो गुंस रहते ही है उनके पास, तो ये कभी भी आया तो उसको मार सकते। तो ये कैसा एक डेवास्टेटिंग सिचुएशन था, डरा हुआ था वो। तो यहाँ पर रूब्रिक बनता है डिल्यूजन ब्लैंकेट अंडर अ थिक, है ना। ब्लैंकेट हम कब यूज करते ना वर्ड, ब्लैंकेट बॉम्बिंग। ब्लैंकेट बॉम्बिंग मतलब ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा एरिया कवर्ड किया हुआ, और इसका हश्र एक ही होना है, इट विल बी अ डेवास्टेटिंग। वी कॉल ब्लैंकेट बॉम्बिंग, सो इट्स अ सिचुएशन वेयर एग्जिस्टेंस एंड एवरीथिंग इज एट स्टेक, विच इज अ हॉरिफिक सिचुएशन। अब दूसरा रूबिक बनता है डिल्यूजन बैनिश्ड शी इज। वो पुणे चले गया ना, यहाँ पे रह ही नहीं सकता था, उसको बैन था एक्चुअली नागपुर में, वो आता तो मार दिया जाता था। तो यहाँ पे रूब्रिक बनता है डिलीजन ट्रैप अंडर वर्ल्ड इन। अंडर वर्ल्ड में क्या होता है ना, कब किसका मर्डर हो जाए बोल नहीं सकते। सो दिस वॉज द केस फ्रॉम माई साइड, एनालिसिस इवोल्यूशन। सिग्नस कोलंबियानस बीवीकी, सिग्नस बीवीकी। महेश सर छिचोरा बोलते हैं उसको, छिचोरा छिचोरा। यस 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 मानिक सर। सर पोटेंसी कौन सी थी आपने? 30 ही दिया था, 30 से ही अच्छा रहा वो। उसका मैंने वीडियो भी शेयर किया है ग्रुप में, तो तब से उसका एसिडिटी भी गया और तब से उसमें एक करेज आया कि इसको छोड़ देते हैं और उससे बात भी नहीं करता। उसके बाद में फॉलोअप में ये बोला है उसने कि रेयरली मैं फोन करता हूँ, उसका फोन आया तो मैं बात करता हूँ, नहीं तो खुद से फोन लगाता नहीं। ये था उसका फॉलोअप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट वन एम दिया था दस। अनुराग सर वो वीडियो डाउनलोड नहीं हुआ था, पढ़ा था कि जैसे दोनों का अटैचमेंट होता रहेगा कि ओनली वन का ही अटैचमेंट रहेगा। देखिए सिग्नस तीन है, सिग्नस 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 बीवी के सिग्नस ओलार।
तो सिग्नस सिग्नस ना मेड फॉर इच अदर, जनरली हम गिफ्ट देते हैं है ना कपल को, तो क्या देते हैं ना, दो हंस ऐसे रहते हैं, उनके ऐसे मुंडी जुड़ी हुई रहती है, और दैट मेक्स अ हार्ट शेप मेड फॉर इच अदर, दैट इज सिग्नस सिग्नस। पर ये सिग्नस बी, हाँ ये सिग्नस बीवी की है, जो छिछोरा है, जो जिसको केवल लाइफ में इंटमसी चाहिए, इंटमसी के चक्कर में वो ढूंढते रहता है। पर इस पेशेंट को क्या हुआ ना, उसके लाइफ में उससे दो कदम आगे वाली लड़की मिली, मे शीट भी टेरेंटुला हो सकती है ना, या सैनिकुला भी हो सकती है, वो अपने को नहीं पता, उसकी केस नहीं पता। तो ये तो फंसा ये फंसा हुआ हुआ था, ट्रैप ट्रैप वॉज अ कोर ऑफ अ केस। सर, ये मेडिसिन दूसरी के मंजिल बारे में, में दूसरी मंजिल में और बताइए ना सर, ये पहली और बार ही क्या सुना है, चाहिए, और क्या मेडिसिन का नाम चाहिए। ही पहली बार सुना है। यस सर, और थोड़ा डिटेल में बताइए ना सर। डिटेल मतलब यही है ना, सेंट्रल कोर यही है सिग्नस बीवी की का, कि एक छिछोरा है, और ये पूरी जर्नी है ना, इसमें इसमें क्या हुआ कि अर्लियर पार्ट में लड़के करते हैं, लेकिन इसने कुछ ज्यादा ही कर लिया, एक पॉलिटिकल फैमिली की बैकग्राउंड की लड़की को, और उसमें भी वो कम एज की थी, अगर वो 7 वाली एज की करता तो कोई उतना नहीं बोलता था, शायद वो शादी भी कर सकते थे, लेकिन वो अमान्य थी ना वो चीज समाज के हिसाब से, तो उसका भुगतान उसको करना पड़ा है ना, उस पे केस हुआ, कोर्ट केस हुआ, उसको मारने के लिए आए होंगे तो उसको भगा दिया गया है ना, डिल्यूजन बैनिश चीज। कोई भी रेमेडी उसमें से समझनी होती है जिसमें बहुत कम रेमेडीज होती है ना, जैसा डिल्यूजन बैनिश चीज में दो ही रेमेडी है, उसमें से एक सिग्नस बीवी की, तो उसकी एक्चुअल जर्नी वहां से चालू हुई है बैन करने से, और वो एक जगह पे रुक गया, अटक गया। पर ये तो दिल फेक बंदा है, इसका हार्ट बड़ा है, तो कहीं ना कहीं तो दे के बैठेगा ही, तो पुणे में भी गया, वहां पे भी दे बैठा, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ इसके लाइफ में कि लड़की इससे सॉलिड निकली, उसने इसको फंसा दिया, और ये जितनी मेहनत करे, जितनी बाहर निकलने की कोशिश करे, वो निकल नहीं पा रहा है, और वो जाल में फंसते जा रहा है ना। लड़की एक बार का हाँ भी बोलती है और ना भी बोलती है, और इससे सारा उठा लेते, लड़की को इसने जॉब भी लगा के दिया, सेटल करके दिया, लाइफ की सारी लग्जरी इसको प्रोवाइड की, ऐसा ही रहा। आप पूछिए ना, कोई रूब्रिक ना समझा हो या आपके पास लैपटॉप हो, कोई रूब्रिक समझना हो। अनुराग सर, हेलो। हाँ हाँ सर, यहाँ पे जो ट्रैप है, सेलिक्स के ट्रैप से इसको कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर? क्योंकि सेलिक्स भी बहुत जगह पे इक्विवेलेंट बहुत आती जगह है। पे क्लोज है, बहुत जगह पे क्लोज है, डिल्यूजन पोजेस है, और सैलिक्स में एक रूब्रिक है डिल्यूजन स्नो बिनीथ है ना, इसमें भी एक फीलिंग है कि स्पाइडर के वेब में फंसे हुए, और सैलिक्स भी बिनीथ स्नो है, लेकिन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कहाँ है ना, सैलिक्स डिल्यूजन स्वर्ल्स ऑफ में है, स्वर्ल मतलब गोल 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 घूमना है ना, चाबी अपन कैसा गोल घुमाते ना, तो सेलिक्स का कंपेनियन उसको ऐसा गोल घुमाएगा चक्कर आ जाएंगे। हमारे मराठी में एक एक वर्ड है चकवा, चकवा किसको बोलते ना, किसी के शरीर में ऐसा बोलते ना भूत आया हो, या कोई कोई पावरफुल चीज हो जिससे पजेस्ड हो है ना, तो ऐसा सुना होगा, बहुत लोगों ने स्टोरी सुनी होगी कि वो आदमी ऐसा रात भर जंगल में गोल 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 घूमते रहा, रात भर गोल घूमते रहा, लेकिन बाद में सवेरे उसको दिखा कि यार मैं बिन फालतू इस जंगल में गोल गोल घूम रहा था, कुछ तो हो गया था मुझे, कुछ तो पावर था मुझ पे, इन्फ्लुएंस थी, तो वी हैव रूब्रिक डिलीजन पजेस सेलिक्स में है ना, तो जब पजेस होता है तब वो पावर उसको गोल गोल घुमाता है, स्वर्ल ऑफ है ना, ये है, और ये सेलिक्स का ट्रैप है। लेकिन हम सिग्नस का ट्रैप देखेंगे तो फिंगर नेल वाला कैसा ट्रैप है ना, बेचारे को स्पाइडर वेब में गोल घुमा के रखा है, वो जितना एफर्ट करेगा, वो एफर्ट भी ज्यादा नहीं कर रहा, देख रहे थे ना केस में कि उसको स्ट्रॉन्ग ना भी नहीं बोल पाया, वो ना बोलता तो गिर जाता था, क्योंकि इसका नाम तो पहले से ही लाइफ में खराब है ना, उसके लिए वो जिंदगी है। रूब्रिक कितना ब्यूटीफुल है, देखिए डिल्यूजन वर्ल्ड वॉल है ना, उसी सारी दुनिया वो लड़की है, इसलिए वो निकल नहीं पा रहा उस सिचुएशन से है ना, और संबंध तो लोगों से खराब होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी अर्लियर पार्ट ऑफ लाइफ में क्या रहा ना, इसने फेक आईडी बनाया, फेक सर्टिफिकेट बनाया है ना,
लोगों की एडमिशन करके दी, और ये सब कैसे ना ब्रोकर लोग होते हैं, इनका कुछ खरा नहीं होता है ना, इनका नाम खराब ही होता है। तो प्रॉपर सिटी में भी इसका नाम खराब है, यहाँ पे रह नहीं सकता, यहाँ पे बैनिश्ड है, तो सारी जगहों से फंसा हुआ है। तो ये कोर फीलिंग है ट्रैप। Okay. I guess I'm, फिर जब नाम खराब होने की बात आ गई, एक मिनट, नाम खराब होने की बात आ गई, तो यहाँ पे फिर कोनियम भी आता है माइंड में ना एक बार। यस यस यस, पर कोनियम क्या करता ना, कोनियम को सेक्स से ही लेना देना है, एलिमेंट फ्रॉम सेलिबसी ऐसा है। कोनियम को फेम चाहिए। सिग्नस का रिक्वायरमेंट क्या है? सिग्नस का रिक्वायरमेंट है एक कंपेनियन होना चाहिए, इंटमसी होना चाहिए। उसके लिए वो मर्ज कर सकता है, जैसा वो बोले वैसा वो मूव हो सकता है। पर कोनियम एम्बिशन फेम फॉर है, उसकी उसको फेम चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है, उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, है ना, नैरो माइंडेड है। अगर कोनियम की वो गर्लफ्रेंड होती तो वो गर्लफ्रेंड की हिम्मत ही नहीं होती थी वो सीनियर के पास जाने की, वो ऐसा जकड़ के रखता था उसको, नैरो माइंडेड है कोनिया। थैंक यू सर। यस मैम। डिलूजन ट्रैप, ट्रैप्ड ही इज इन अंडरवर्ल्ड, ऐसा रूब्रिक है अंडरवर्ल्ड, यही तो पता है मैंने। हाँ, अंडरवर्ल्ड में क्या होता है ना, इनका कोई खरा नहीं होता, मतलब कब किसको उड़ा देगा कोई भरोसा नहीं, और अंडरवर्ल्ड में जनरली झगड़े होते हैं, मतलब उनकी एक टेरिटरी होती है ना, ये टेरिटरी पे मेरा बॉस, मेरा हुकुम चलना चाहिए, और वो टेरिटरी मोर अक्वायर करने के लिए वो झगड़े चलते रहते हैं उनके, है ना, लूटपाट करना, फिरौती लेना, यही सब चीजें होती है। तो भाव क्या है ना अंडरवर्ल्ड का, कि डर बना होता है, वो कभी आपको ऐसा खुले रास्ते से नहीं दिखेंगे अंडरवर्ल्ड के लोग, है ना, दबे हुए कहीं, तो रात में ही कुछ उनको करना होगा तभी बाहर निकलेंगे। वैसे ये लड़का ना पुणे से स्टेशन आएगा यहाँ पे, और फिर कोर्ट जाएगा छुप छुपा के, और कहीं रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, सीधा स्टेशन पकड़े डायरेक्ट पुणे, ऐसा। सो दिस वाज अ फील ऑफ अंडरवर्ल्ड। सर एक डायलॉग था नाम हुई में, अंडरवर्ल्ड के लिए ये एक वन वे है, यहाँ वापस नहीं जा सकते। हाँ, वापस नहीं जा सकते। यस मैम, यस मैम, मतलब आप सुधर, अभी एक पिक्चर आया था, एंट्री एक बार कर दिया तो हाँ निकल नहीं सकते। जैसे झूम पिक्चर में क्या हुआ ना, कि वो बोलता है कि मुझे सुधरना है, लेकिन ये लोग सुधरने नहीं दे रहे। एक बार आप उसमें हाथ डाल देना, आप नहीं निकल सकते, आपके हाथ गीले रहेंगे ही फॉर लाइफ टाइम। सो मेनी थिंग्स हैपन कि यू कैन नॉट कम आउट, ये नहीं तो दूसरा केस, दूसरा है तो तीसरा। हाँ, तीसरा हाँ। अगर आप निकल भी गए तो भी आपको फंसा दिया रहेगा, पुलिस वाले आपके स्पाइडर वेब है, बराबर है, स्पाइडर वेब है। ये यस मैम, स्पाइडर वेब और अंडरवर्ल्ड। हमारे साथ एक संदीप गवाटे सर भी हैं, जो बहुत अच्छे केस और बहुत बढ़िया जी, जी, जी। उनकी अप्रोच है, ही इज धोनी, धोनी, ही इज धोनी। तो मैं पूरे फोरम के सामने आज उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हम लोगों के लिए आए और एक दो क्लास लें। संदीप भाई चलेगा सर? चलेगा सर, हाँ जरूर लूंगा सर। ये सर चंद्रा सर के फेवरेट है, चंद्रा सर के बच्चे, तभी तो ये समझ पाए ना, ये अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग चंद्रा सर की तरफ से ही आया है, उन्हीं से सीखा हम लोगों ने, पॉसिबल ही नहीं था, नहीं तो हम लोग तो डेलूजन रॉन्ग, लव विथ रॉन्ग पर्सन वाले में फंसे रहते। बेसिक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने दिया है सब चीजों का। अनुराग सर, आप डॉक्टर चंद्रा सर को हमारी तरफ से थैंक यू बोल दीजिए क्या, इतना अच्छा सिखाने के लिए। ऑलवेज ऑलवेज मैम, यस यस श्योर, यस यस। सिग्नस सिग्नस स्पेशली पढ़ करता हूं, सिग्नस सिग्नस है ना, दो हंसों का जोड़ा, हंस से बिल्कुल उनका माइंड में इमेज रख लीजिए और सिग्नस सिग्नस को सोच लीजिए, और ये नया छिछोरा। ओके, मतलब सर ये सारे के सारे हंस का जोड़ा ही है क्या सर? हाँ, मतलब प्रजात है ना उनकी, डिफरेंट। ओके ओके, एक पूरे जीवन में बीवी के साथ रहता है, मरने के बाद भी बीवी के साथ रहता है, और एक धोखा देने वाला है। ओके, जैसे ये बढ़िया पता है संगीत सर। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू सर।
thanks to all. Thank you. Thanks a lot. Gratitude, Anurag sir. Gratitude to you all, admin panel, Ashok sir, and HSH family.